गुड मॉर्निंग बच्चों, विनय की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, यह ऑनलाइन क्लास मैं करीब एक सप्ताह से संचालित कर रहा हूं और आपकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं है, नहीं हो पा रही है। और जब तक आप हमारा प्रयास सफल नहीं बनाएंगे तब तक हमारा पढ़ाना जो होगा वो व्यर्थ में जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप भी जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूं उसी प्रकार आप भी घर पे रह करके लॉकडाउन में आप इस मैथ को आप पढ़िए। और कहीं ना कहीं जब आपका विद्यालय खुलेगा तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रश्न नंबर 5 तक और आज मैं प्रश्न नंबर 6 को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रश्न नंबर 6 रहा, निम्नांकित परिमेय संख्या में कौन धनात्मक है। तो देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर का यानी बारी बारी से प्रश्न नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। -9/-13 का रूप, तो देखते हैं ये क्या है। ये इसको हम इसमें माइनस है, दोनों में माइनस लगा अंश और हर में, तो दोनों को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और ये हमारी क्या बन जाती है, 9/13। तो 9/13 हमारी किस प्रकार की संख्या है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, धनात्मक रूप है। ये क्या हमारी है, धनात्मक रूप में तैयार हो गई। अब ख नंबर पे बात कर लेते हैं, 11/-19 का रूप क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका देख लेंगे। अब इसमें चूंकि एक में हमारा माइनस लगा है, ऊपर हमारा प्लस लगा है, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या तैयार हो जाएगा, 11/-19। और ये किस प्रकार का हमारा परिमेय संख्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। किस प्रकार का होगा, ऋणात्मक रूप का हमारा परिमेय संख्या कहलाएगी। और प्रश्न नंबर गा हमारा है, कह रहा -7/-23 का रूप हमारा क्या तैयार होगा। देखते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं, दोनों को कैंसिल करने पर हमारा क्या रूप तैयार होता है, 7/23। ये हमारी किस प्रकार की परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। किस प्रकार की है बच्चों, धनात्मक परिमेय है, धनात्मक रूप तैयार होता है। और घ नंबर की बात कर लें, घ नंबर में दिया हुआ है 8/-13 का रूप हमारा क्या होगा, तो इसमें माइनस है यहाँ प्लस है, इसलिए इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसको हूबहू उतारना पड़ेगा हमको। 8/-13 ये हमारी किस प्रकार की परिमेय संख्या हो गई, ऋणात्मक रूप हमारा तैयार होता है, अर्थात ऋणात्मक परिमेय संख्या हमारी है। अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें बताइए कौन कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है, तो आप मैंने चारों को सॉल्व करके आपको बता दिया है प्रिय बच्चों। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी हमारी धनात्मक संख्या है, हमारी धनात्मक संख्या ये यानी ये क नंबर और ग नंबर जो है ये हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है, शेष हमारी क्या है, ऋणात्मक संख्या है। मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा सवाल था, ये आपको निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर 6 आपका समाप्त हो गया, प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या में कौन ऋणात्मक है। कुछ नहीं करना बच्चों, सेम उसी तरीके सवाल आपका था जैसे प्रश्न नंबर 6 था। प्रश्न नंबर 6 में धनात्मक आपसे पूछा था परिमेय संख्या, और इसमें इस बार क्या पूछ रहा आपसे, ऋणात्मक संख्या पूछ रहा। चलिए, हम का खा का घ नंबर डाल दिए, बारी बारी से एक एक से चर्चा कर लेते हैं। -7/11 है, ये का रूप हमारा क्या बन जाता है, देखते हैं। अब इसका एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों कैंसिल नहीं हो सकते हैं, जब समान होगा अंश और हर में, जब दोनों चिन्ह समान होंगे तभी हम कैंसिल कर सकते हैं, एक हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो -7/11 ये हमारी किस प्रकार की है, ये हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या। किस प्रकार की है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हमारी तैयार हो रही है। प्रश्न ख नंबर पे देखते हैं, -6/-13 का रूप हमारा क्या तैयार होगा, देखते हैं, दोनों में माइनस माइनस है तो कैंसिल कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 6/13। और ये हमारी किस प्रकार की संख्या परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। किस प्रकार की है बच्चों, धनात्मक परिमेय संख्या
है। ग नंबर पे बात करते हैं, 8/-35 है का रूप हमारा क्या होगा, तो 8/-35 ही रहेगा और ये किस प्रकार का होगा हमारा ऋणात्मक परिमेय होगा। और घ नंबर पे बात कर लेते हैं, -21/-23 का रूप हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा 21/-23 हमारा बचेगा और ये किस प्रकार की है धनात्मक परिमेय संख्या होगी। अब हमसे पूछ रहा है कि ऋणात्मक कौन कौन सी है, तो अब आप बता सकते हैं कि ऋणात्मक कौन कौन सी है, ये और ये, यानी क नंबर और ग नंबर जो होगी वो हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, शेष सभी हमारी क्या है धनात्मक संख्या होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि क और ग नंबर, क और ग हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्या होगा आपका बच्चों दे रहा है, प्रश्न नंबर 8 दे रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आपको सरलतम रूप में लिखना। का नंबर में आपका दे रखा है -9/21। ख नंबर में दे रहा है -18/-27। ग नंबर में दे रहा है 21/-36। घ नंबर में दे रहा है 36/-64। तो देखिए बच्चों, सरलतम रूप आपको तैयार करना है, तो सरलतम रूप आप कैसे करेंगे, सरलतम रूप हमारा कहता है छोटा से ऐसा छोटा छोटा रूप जिसका कोई खंड ना हो सके, अर्थात कोई भिन्न ना कट हो सके, वही हमारी क्या कहलाती है सरलतम रूप कहलाती है। तो चलिए का नंबर का देख लेते हैं, का नंबर पे देखते हैं -9/21 है। अगर इसको हम काटते हैं, काटने का तात्पर्य होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे कि अंश भी हमारी कट जाए और हर भी हमारी कट जाए, ऐसे ही कोई संख्या से आपको काटना होगा। जब तक अगर ये नहीं होना चाहिए कि एक संख्या हम दूसरे पहाड़े से काटें और हर वाली संख्या को दूसरे पहाड़े से काटें, तो ऐसा बिल्कुल भी ये सत्य नहीं होगा, अर्थात गलत कहलाएगा। तो हमको दोनों को एक ही पहाड़े से काटना होगा। तो देखते हैं बच्चों, ये छोटा छोटा हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो यानी 3 × 9 हो जाएगा और 3 × 7 कितना हो जाएगा 21, यानी -9/21 का सरलतम रूप। तो -9/21 का बच्चों सरलतम रूप हमारा क्या तैयार हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि -3/7। अब इससे कोई छोटा से छोटा रूप तैयार हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चलिए ख नंबर पे बात कर लेते हैं, कह रहा -18/-27। देख लेते हैं इसमें दोनों में अंश और हर में दोनों में हमारा क्या है माइनस दिया है, जब माइनस दिया है तो दोनों को माइनस हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं बच्चों। अब हमारा बचा 18/27, इसको देखते हैं किस भाग से हमारा जा सकता है, 9 × 18 और 9 × 3 = 27, इसको देखते हैं कि 9 × 18 9 × 3 = 27, यानी मक्का सरलतम रूप। तो सरलतम रूप बच्चों क्या हो जाएगा, 18/27 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ग नंबर पे, ग नंबर दे रखा आपका 21/36, तो 21/36 का आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 21/36 का आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 3 से भी कट सकता है आपका, तो 3 से यदि काटेंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 × 9 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी हम काट सकते हैं ये क्या रखा है 21/-36 दिया है, 21/-36, 3 से काटेंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 × 9 = 3 और 3 × 9 = 3, 3 × 2 = 6, यानी 12 × 36। तो इसका क्या हो जाएगा का सरलतम रूप। तो सरलतम रूप बच्चों क्या हो जाएगा 7/12 और माइनस लगा, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं घ नंबर पे, घ नंबर हमारा क्या दिया रहा -36/64 दे रखा, -36/
64 दे रखा है, तो चलिए इसको हम काट लेते हैं, कई संख्याओं से हम इसको काट सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको, तो हमारा किस संख्या से कटेगा, अगर हम 4 से भी काटे हैं तो 4 नवैया 36 हो सकता है, और 4 का नम 4 और ए 2 आ जाएगा, 4 छंग 24। हाँ, ये हम कट सकते हैं इसको कि 4 नवैया 36 और 4 का नम 4 और कितना बचा यहाँ पर 2, और 2 और 4 को मिला करके कितना हो गया 24 हो गया, तो 4 छंग कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारा का सरलतम रूप, का सरलतम रूप। तो क्या हो जाएगा 9, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 9 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और हमारा यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सबसे सरलतम रूप हमारा क ख ग घ को हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 9 हमारा दे रखा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति हमको करना है, -3/4 बराबर खाली स्थान दे रखा है, बटे में -20 है आपका, बराबर खाली स्थान है, और ऊपर नीचे दिया हुआ हर में 28। देखते हैं बच्चों इस प्रकार का जब प्रश्न हमको हल करना होगा, तो पिछले अभ्यास में यानी इसी अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 में मैंने पिछले में आपको बताया था सवाल, प्रश्न नंबर 2 या 3 में बताया था कि कैसे करना होता है इस सवाल को, तो सेम उसी प्रकार आपका ये सवाल होगा। देखते हैं इसको हम कि हमारा यहाँ पर क्या संख्या आएगी। देखिए हम अपने विवेक से तो यहाँ रख सकते हैं, लेकिन जो एक नियम कहता है उस नियम के आधार पर आपको करना होगा। तो देखते हैं बच्चों इसको 4 का हम करते हैं, 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ते हैं, मतलब 20 में कितनी बार जाता है हमारा 4×5=20 यानी 5 बार जाता है, और हम जितनी बार जाते हैं यानी माइनस का यहाँ है तो हम माइनस का ही गुणा यहाँ पर करेंगे। यदि हम हर और अंश में यानी अंश और हर में यदि हम क्या करें, हम देखते हैं यानी पहला जो दे रखा -3/4 है, अगर इसमें हम क्या करें यानी फर्स्ट में हमारा कह रहा है कि अगर 4×5=20 यानी -5 यानी -5 का हम गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा कि हम देखते हैं यहाँ पे 3×5 कितना आता है 15 आ जाता है, बटे 4×5 कितना आता है माइनस का 20 आता है, तो हमारा ऊपर अंश में क्या संख्या होनी चाहिए बच्चों 15 आया, तो हमारी यहाँ पे क्या होनी चाहिए 15 होने चाहिए, और ये प्रक्रिया आपको चाहे रफ में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर दूसरे की बात करूं, अब इसी में -3/4 है और बराबर में दिया एक तरफ 28 और एक तरफ क्या दिया है आपका रिक्त स्थान दिया, तो यहाँ पे देखते हैं हम 4×7 कितना होता है बच्चों 28 होता है, 4×7=28 यानी 7 बार जाता है। अगर हम अंश और हर में इसमें क्या करें यहाँ प्लस का है तो प्लस का ही करेंगे, तो 4×7=28 यानी 7 में यानी 3/4 में हम यदि पुनः हम करें कि -3/4 में यदि हम 7 का गुणा यानी अंश और हर में 7 का गुणा हम कर दें तो हमारी ऊपर वाली रिक्त स्थान पर संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं बच्चों तो ये हमारी क्या हो जाएगा 3×7=21 आ जाएगा, यहाँ पे ऋण और ये प्लस धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, बटे 4×7 कितना हो जाएगा 28। देख लीजिए नीचे 28 आपका हाई है हर में, तो अंश में हमारा क्या आना चाहिए माइनस का कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए, और यहीं पर ये प्रश्न हमारा क्या होता है समाप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर ख पर। प्रश्न नंबर ख पर तो चलिए बच्चों आते हैं अब ख नंबर की तरफ। ख नंबर में भी हमारा सेम उसी प्रकार कह रहा है कि -5/-8 बराबर खाली स्थान बटे क्या दिया 24 बराबर 25/ खाली स्थान है। कुछ नहीं करना बच्चों इसको, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार आप पकड़ते चले जाइए। देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा, यहाँ पे 8 दिया, यहाँ पे क्या दिया बच्चों 24, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 24 में कितनी बार जाता है 8×8 8×2=16 8×3=24 यानी 3 बार गया, और जब 3 बार गया तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा, तो अगर हम क्या करें -5/-8 में यहाँ बाहर इसको रफ में हम सॉल्व कर लेते हैं ठीक। तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर ये हमारा 3 बार गया और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा तो हम माइनस का गुणा कर दें, यानी हम जितने का हर में गुणा करेंगे और उतने का ही हम बच्चों क्या करेंगे अंश में ही हमको गुणा करना पड़ेगा। यानी माइनस का 3 में हर में करते हैं तो माइनस का 3 में
अंश में भी करेंगे। देखते हैं हमारा क्या आता है ये, तो ये पांच तय कितना हो जाता है बच्चों, 15 हो जाता है, और धन धन ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ आठ त्रिक कितना हो जाता है आपका, 24 हो जाता है, यहाँ पे ये 24 हो जाएगा, और ये देखते हैं कि हमारा ये ऋण और ऋण का हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ क्या आना चाहिए बच्चों, 15/24 आना चाहिए, 24 तो आपका ऑलरेडी लिखा ही है, अब 15 आपको खाली स्थान में क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अब आते हैं उसी प्रकार पुनः हम क्या कर लेते हैं कि -5/8 है, -5/8 एक स्थान हमारा ये है, तो अब देखते हैं कि यहीं से हम इसकी भी तुलना हम करेंगे, तो ये 5 लिखा और यहाँ पे 25 लिखा बच्चों, तो देखते हैं 5 का पहाड़ा 25 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 5 × 50 = 25, 5 बार गया, और यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस कह दिए, -5 का गुणा हम कर दें अंश और हर में कर दें, तो हमारी यहाँ पे रिक्त स्थान वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसको, -5/8 को, यानी 5 × 25 = 25, 5 बार गया, माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का गुणा करेंगे, यानी -5 और अंश और हर में समान में गुणा करते हैं, -5 - 5 का कर दिए, तो 5 × 50 कितना आ जाएगा बच्चों, 5 × 50 = 25 आ जाएगा, 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 में आपका प्लस आ ही है, तो यहाँ क्या होना चाहिए आपका बच्चों, 25/40, यानी 25 तो आपका लिखा ही है, और नीचे क्या होना चाहिए, 40, और यहाँ पे हम 40 ये क्या कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। जब भी आप इसको फिलअप करिएगा तो इसको आपको ब्लैक पेन से फिलअप करिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमने यहाँ पे कुछ भरा है। तो आपको मैं आशा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन दोनों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर ग की तरफ। चलिए बच्चों अब आते हैं प्रश्न नंबर ग की तरफ। प्रश्न नंबर गा भी उसी तरीके का और खा के तरीके है। देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है कि 7/-9, 7/-9 बराबर -14/ खाली स्थान दिया बराबर 25/ खाली स्थान दिया। तो देखते हैं बच्चों पहले बारी बारी से हम एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7/14 दिया है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -9 है, बराबर यहाँ पे दिया। हम देखते हैं 7 का पहाड़ा 14 में हम कितनी बार पढ़ेंगे, 7 × 2 कितना होता है, 14, 2 बार जाता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो हमको -2 का गुणा कर दें, यानी इस 7/-9 में हम अंश और हर में हम -2 का हम क्या कर दें, गुणा कर देते हैं, यानी 7/-9 दिया हमारा, तो 7 × 14 दो बार गया और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो हम माइनस का गुणा करेंगे, यानी -2 का गुणा करेंगे, और -2 का जब गुणा करेंगे तो अंश और हर में दोनों में हम समान अंक का और समान साइन चिन्ह का भी गुणा करते हैं। तो देखते हैं बच्चों इसको गुणा कर लेते हैं, 7 × 2 कितना होता है, 14 होता है, ये धन का ये ऋण का, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाता है, 9 × 2 कितना होता है, 18 हो जाता है, ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, प्लस, यानी हमारी इसको सॉल्व करने पर क्या है, -14/18। अब इसमें आप देख लीजिए कि -14 तो हमारा ऑलरेडी पहले से लिखा ही है बच्चों, अब नीचे हमारे रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। चलिए बहुत सही, वेरी गुड, तो यहाँ पे हम क्या फिलअप कर देंगे, 18 भर देंगे। चलिए ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसी का दूसरा रूप हमारा क्या बनता है, -7/-9 दिया है। अब देखते हैं इसकी बारी है, यहाँ पर भी है, तो इसी के समतुल्य में हमको इसको भी बनाना है। देख लेते हैं बच्चों, ये 7 लिखा है, यहाँ 35 लिखा है, तो 7 × 5 कितना होता है बच्चों, 35 होता है, यानी 5 बार जाता है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो हम प्लस का ही गुणा करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम 5 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी अंश और हर में दोनों में 5 का गुणा कर देते हैं, जिससे कि हमारे परिमेय संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो 7 × 5 हमारा कितना होता है, 35/9 कितना होता है, 45 होता है, और ये ऋण का और ये धन का, तो धन ऋण का गुणा क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो धन ऋण का गुणा ऋण हो जाता है। अब इसमें आप मिलान कर लीजिए कि 35/-45 आ रहा, तो हमारा 35 तो ऑलरेडी लिखा ही है बच्चों, और नीचे क्या होना चाहिए, -45 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम -45 रख देंगे, और यह प्रश्न हमारा ग नंबर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर घ की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 9 का आपका घ नंबर है, यहीं से ये फिर प्रश्न नंबर 9 आपका क्या होता है बच्चों, समाप्त हो जाता है। देखिए बच्चों मैं प्रतिदिन आपके साथ बहुत ही कड़ी और मेहनत के साथ
मैं मेहनत कर रहा हूँ, देखिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैं आपके साथ इस लॉकडाउन में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जब व्यक्त नहीं होती है तो मेरा भी मन कहीं ना कहीं निराश हो जाता है कि बताइए मैं आपके भविष्य के लिए मैं यहाँ पे परिश्रम कर रहा हूँ और आप मज़े से घर पे इधर उधर लूडो और क्रिकेट में अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो क्रिकेट और लूडो तो आप कभी भी खेल सकते हैं, लेकिन इस समय आपका पढ़ने का टाइम है और इस समय आपको पढ़ना ही चाहिए। तो चले बच्चे आते हैं प्रश्न नंबर घा की तरफ। प्रश्न नंबर घा में आपका दे रखा है कि -8/(4/15) दिया हुआ बराबर खाली स्थान दिया है -60, यानी रिक्त स्थानों पे हमको भरना है। चलिए अभी अभी क्या था, पहले इधर का था, अब हमको कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखते ये हमारी संख्या, जो संख्या हमारी कंप्लीट होगी उसी को आधार लेकर के हम संख्या को कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। ये संख्या कहीं इधर होती तो आपके लिए बहुत आराम था, लेकिन इधर हो गई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ देखते हैं 4 है और यहाँ पे क्या है 8 है, तो 4 का पहाड़ा बच्चों पढ़ेंगे तो 8 में कितनी बार जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 बार गया और 2 बार यहाँ, चूंकि अब ये माइनस का चिन्ह है तो हमारा किसमें का हम गुणा करेंगे, हम -2 का ही गुणा करेंगे। तो हम अगर यहाँ बाहर रफ्तार में हम देख लें तो बहुत ही आसान हमारे लिए होगा और समझ में भी आपको आ जाएगा। 4/15 है तो 4 × 8, 2 बार गया और माइनस का चिन्ह लगा है, तो -2 का यदि हम अंश और हर में गुणा कर दें तो हमको हमारा आंसर यहाँ खाली स्थान पे पता चल जाएगा। तो बच्चों देखते हैं तो 4 × 2 कितना होता है 8 होता है, यहाँ धन का यहाँ ऋण का, धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 15 × 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये धन का ये ऋण का, तो धन ऋण का गुणा हमारा क्या हो जाता है ऋण हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋण हो जाएगा। अब देख लीजिए बच्चों, आपका यहाँ पे -8 दिया है और बटे खाली स्थान, तो खाली स्थान में आपका क्या होना चाहिए, आपको पता ही हो गया होगा कि खाली स्थान में हमारा क्या होना चाहिए -30, और खाली स्थान की जगह पे डिब्बे में आपको ब्लैक पेन से ही आपको भरना होगा। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी के अनुरूप हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा दे रखा है, मान लीजिए 4/ हमारा कितना दे रखा 15 दे रखा है। हम देखते हैं ऊपर वाले में हमारा खाली स्थान है, हमको ऊपर से मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम नीचे आ जाते हैं। 15 का हम 60 में पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जा रहा है बच्चों 15 × 60, यानी 4 बार जा रहा है, और 4 बार जब जा रहा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, तो हमको यहाँ पे -4 का गुणा अंश और हर में दोनों में करना होगा बच्चों। तो यहाँ पे गुणे क्या करेंगे 15 × 60, यानी -4 का, 4 बार गया और माइनस का चिन्ह लगा, तो -4 का ऊपर नीचे हम परिमेय संख्या में गुणा कर देते हैं। अब देखते हैं गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, 4 × 16 आता है और ये धन का ये ऋण का, धन ऋण का गुणा क्या हो जाता है ऋण आ जाता है। 15 × 16 कितना होता है 60 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे, और यहाँ पे धन का ये ऋण का, तो ये क्या हो जाएगा धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों कि नीचे हमारा -60 आई है, ऊपर हमारी अंश में क्या होने चाहिए -16 आने चाहिए, और यहीं से ये आपका प्रश्न नंबर 9 घ नंबर तक आपका सवाल था और यहीं से आपका समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, यदि नहीं भी समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमको बता सकते हैं, हम आपका सलूशन इसको जल्दी ही आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। 3 नहीं बच्चों, चाहे आपको 3 कहे, चाहे 4 कहे, चाहे 5 कहे, चाहे 6 कहे, कितने भी समतुल्य अगर आपसे कहता है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है। मैं यहाँ बताऊँगा आपको, यहाँ आपसे प्रश्न कर रहा 3 की बात कर रहा है, तो मैं आपको 3 या 4 तक भी आपको बता दूंगा, जिससे कि आपकी आगे भी कहीं 4 पूछा जाए तो भी आपके मन में ये संशय न रहे कि सर जी ने हमको तो 3 ही तक बताया था, 4 आ जाए 5 आ जाए समतुल्य आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखना है आपको बेटा बच्चों, हम देखते हैं यहाँ प्रश्न नंबर
का हम बात करते हैं, का में हल करते हैं, का नंबर का। तीन हमसे पूछा जा रहा है, कितने पूछे जा रहा है, तीन हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम तीन की बात कर लेते हैं, देखते हैं कि दो बटे तीन कराक के समतुल्य तीन और कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखेंगे तो इसके समतुल्य में तीन और कौन कौन सी हो सकती हैं। तो दो बटे कितना दिया, तीन, और इसमें यदि हम दो का गुणा कर दें यानी दो का, तो एक तो समतुल्य हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी, दो दूनी चार आ जाएगी, तीन दुनाई कितना हो जाएगा, छः हो जाएगी। और दूसरी समतुल्य क्या हमारी भिन्न तैयार होगी, दो बटे तीन का हो जाएगा दो गुणे तीन, दो बटे तीन गुणे तीन, यानी दो बटे तीन है, इसमें दो का अंश और हर में की है, इसमें एक एक अंक आप बढ़ाते चले जाइए, तीन का हम करेंगे इसमें, तो तीन का गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो दो त्याई कितना हो जाएगा, छः आ जाएगा, बटे तीन त्रिका कितना आ जाएगा, नौ आ जाएगा। अब तीसरी हमसे कह रहा है दो बटे तीन का है, तो दो बटे तीन का कितना हो जाएगा, तो गुणे चार, गुणे चार कर देंगे हम, तो दो चौको आठ आ जाएगा, तीन चौको कितना आ जाएगा, बारह। देख लीजिए समतुल्य का मतलब होता है कि सम मतलब तुल्य मीन से इसके बराबर, मतलब दोनों आपस में क्या बराबर हैं कि नहीं है। देखते हैं कि ये सभी भिन्न क्या हैं, आपस में बराबर हैं, यानी ये सभी भिन्न आपस में क्या हैं, परिमेय संख्या क्या है आपकी, बराबर हैं। चाहे आप देख लीजिए दो दूनी चार, दो तिहाई छः, और तीन दुनाई छः, तीन त्रिका नौ, अर्थात दो बटे तीन ये भी भिन्न हमारी है, दो बटे तीन हमारी ये भी भिन्न है, दो बटे तीन हमारी ये भी भिन्न है। काट करके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जब आपकी चौथी की बात करें, चार समतुल्य भिन्न निकालना हो तो सेम उसी प्रकार करना है, दो बटे तीन करना है गुणे आपको चार की जगह पे पाँच बटे पाँच, अर्थात अंश और हर में गुणा कर देते हैं, और का नंबर आपका क्या हो जाएगा, तीन। तीन समतुल्य भिन्न आपकी तैयार हो गई। चलिए आप बात करते हैं खा नंबर पे, बात करते हैं अब खा नंबर पे। खा नंबर पे दे रहा है सात बटे ग्यारह, सात बटे माइनस ग्यारह है, तो इसका पहला क्या हो जाएगा, तो हम उसी प्रकार लिखेंगे सात बटे माइनस ग्यारह में हम क्या करेंगे, दो का गुणा करेंगे, कितने गुणा करेंगे, दो का हम गुणा कर देंगे। तो जब दो का गुणा हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये सात दुनाई कितना हो जाएगा, चौदह, बटे क्या हो जाएगा, ग्यारह दुनाई कितना हो जाएगा, बाईस, बाईस के किसमें का होगा, माइनस का हो जाएगा। चाहे तो आप दो सते चौदह, दो एकन्नम दो, दो एकन्नम दो, अर्थात सात बटे ग्यारह ही हमारी भिन्न प्राप्त होगी। दूसरी भिन्न निकाल लेते हैं सात बटे ग्यारह का, माइनस सात, सात बटे माइनस ग्यारह, तो सात बटे माइनस ग्यारह है, तो गुणे क्या करेंगे, तीन, गुणे तीन करें तो सात त्रि कितना हो जाएगा, इक्कीस, बटे कितना हो जाएगा, ये ग्यारह तय कितना हो जाएगा, तैंतीस हो जाएगा, और इसका माइनस का हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, सात बटे ग्यारह का तीसरी परिमेय, तीसरी समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, तो सात बटे माइनस ग्यारह गुणे चार, गुणे चार बराबर सात चौको अट्ठाईस, बटे ग्यारह चौको चवालीस, यानी माइनस का आ जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे का नंबर था उसी प्रकार आपका खा नंबर भी आ गया। अब बात करते हैं ग नंबर पे, अब बात करते हैं ग नंबर पे, तो देख लेते हैं ग नंबर हमारा क्या है। ग नंबर भी उसी प्रकार हमारा होगा, ग नंबर दिया माइनस आठ बटे माइनस पाँच का दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आठ बटे पाँच का हमारा क्या हो जाएगा, गुणे दो बराबर आठ दुनाई सोलह, बटे पाँच दुनाई दस आ जाएगा। तो आ ये कितना हो जाएगा, दो बटे सोलह, दो पंचे दस, और दूसरी क्या हो जाएगी, आठ बटे माइनस पाँच का, तो कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो आठ बटे पाँच गुणे तीन अंश और हर में कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा चौबीस, यहाँ आ जाएगा पंद्रह आ जाएगा बच्चों। अब इसका तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लेते हैं, माइनस का दोनों जगह है, माइनस आठ माइनस पाँच दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, आठ बटे पाँच गुणे चार बराबर आठ चौको बत्तीस,
बटे पांच चौको 20, यानी ये आपका घ नंबर तक आपका ये कंप्लीट हो गया। और यहीं से आपका ये पार्ट भी आपका अभ्यास एक का ए आपका यहीं से समाप्त भी होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल मेरे द्वारा बताए गए सभी सवाल आपको निश्चित तौर पे समझ में आ गए होंगे। यदि तब भी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख करके बता सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो पे, और धन्यवाद।